पंजाब में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जितना प्रोपोगंडा कह, एक दूसरे को जितना भला बुरा कह सकते हैं उतना भला बुरा कह रहे हैं, और हरियाणा में गठबंधन में, दिल्ली में गठबंधन में है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। इस प्रकार की इनकी जो सोच है ये निश्चित रूप से बहुत घातक सोच है। केजरीवाल जी खुद आज शराब घोटाले में 2 तारीख तक के लिए अंतरिम जमानत पर आए हुए हैं, और उन्होंने तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे उस समय, तमाम बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं सरकार में, मैं राजनीति में हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एक भी आरोप लगेगा तो मैं छोड़ दूँगा, मुझे कोई कार नहीं चाहिए, मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए। आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा उनके घर में ही जो है कितने रुपये लग गए, आप सबकी जानकारी में है। किस प्रकार से आज जो उनके यहाँ पर मारपीट हो रही है, कल ही जो है स्वाति उनके साथ जिस प्रकार से मारपीट हुई है, क्योंकि सबको पता है केजरीवाल जी फिर से जेल जाएंगे और उनके ऊपर आरोप सिद्ध होते ही उनको सजा हो जाएगी, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तो वहाँ कई दावेदार मुख्यमंत्री के पैदा हो गए हैं, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की बातें हो रही हैं। और ये जो गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है, क्योंकि पूरे देश के अंदर पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक आज जो लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उसके लिए लोग आगे बढ़ चढ़कर इस चुनाव को अपने हाथों में ले रहे हैं, और इनको भी पता है कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के युवराज जिस प्रकार से अपनी परंपरागत सीट छोड़कर अमेठी, जो उनकी परंपरागत सीट होती थी, उस सीट पर उन्होंने पर्चा दाखिल करना, वहाँ से चुनाव लड़ना वो हिम्मत नहीं कर पाए, ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने हार मान ली है, और पूरी पार्टी उनकी जो है कोई मनोबल उस पार्टी का नहीं है। दक्षिण के राज्यों में भी इस बार उनका जनाधार घट रहा है, वहाँ भी भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए ये गठबंधन सरकार बनाने का नहीं है, ये गठबंधन अपने परिवारों को बचाने का गठबंधन है, ये गठबंधन अपनी पार्टियों का अस्तित्व बचाने का गठबंधन है, ये गठबंधन इनके भ्रष्टाचार और घोटालों को छुपाने का गठबंधन है, ये गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करके उसी एक वोट बैंक को आगे बढ़ाना और वोट लेने का गठबंधन है, जिसका काम कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी से लेकर आज तक करती रही है।